हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है तस्खीर। हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि हम उनका नाम लें इस वीडियो के अंदर, किसी वीडियो के अंदर। सो दुआ मंजूठी जी, अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ आपका तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। सो थैंक यू वेरी मच, आपका भी और सभी लोगों का जो ये वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल, लव यू। और इस वीडियो में मैं रिएक्ट कर रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान के दो रोस्टर्स का कोलैबोरेशन हुआ है। पहली बार कैरी मिनाटी और डकी भाई, इन दोनों का कोलैब हुआ है एक वीडियो में। डकी भाई का व्लॉग देखेंगे। आई मेट कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी जो है इंडियन, अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूं मैं। पहले इंडिया के रोस्टर हैं, वो पहले रोस्टिंग स्टार्ट की थी और सबसे ज़्यादा फेमस रोस्टर हैं। एंड उनका क्या बताएं, वो सबसे कम उम्र में रोस्टिंग करने लगे थे 15-16 साल से। आप भी देखिए मेरे साथ और इन्जॉय करते हैं इन दो रोस्टर्स की वीडियो एक ही फ्रेम के अंदर, दो रोस्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। यार मैं पहले से आया भाई, ये तो बहुत पहले से यार मैं हेमलो जी, वेलकम बैक। अच्छा व्लॉग हुआ यार, ये दोनों लोग मिलेंगे, दुबई गए हुए हैं ये। तो यार आज तो भाई बहुत एनर्जी आ गई है मेरे अंदर। आज आपके भाई ने भाई दबे रोजा रखा था, अभी अफ्तारी किया मैंने, पानी की बोतल से और चाय से। बरात का रोजा, उठे ओ मरे, उठ जा डकी ने, उठ जा यार। और एक मतलब लाल खाने आए हो, सुने आए हो, उठ जा यार छोड़ू एक सेकंड। अच्छा ये भी पहुंच गया, नानी वाला भी पहुंच गया भाई इनका, उठ जा। तो खैर एनीवेज आज जो है सीन ये है कि भाई कोई सीन बताओ यार लोगों को, करना क्या है भाई। दुबई में सोना ही था तो उधर लाहौर बेहतर नहीं था फिर। तो भाई अभी जो है मैंने एलडी मुकाई है अपनी पिछली वीडियो की, ठीक है। यहाँ पे कुछ चाय वाय बनाई है, ठीक है। तो अभी जो है थोड़ा फ्रेश हुआ, रोजा था भाई मेरा, तो अभी इफ्तारी की है। तो अभी सीन ये है कि भाई रोटी वोटी खाने चलते हैं और साथ में हमारी कैरी मिनाटी से भी मुलाकात है नाज समित के अंदर, थोड़ा हल्ला गुल्ला उसके साथ भी लगाते हैं। लोगों को मैंने कल वाली वीडियो में कहा था कि भाई सरप्राइज है, तो सरप्राइज यही है यार। अभी जो है फ्रेश होते हैं, इसको भी फ्रेश करते हैं, पानी मजा आएगा। अरे यार व्यू देख सकते हो तुम लोग हमारे होटल की खिड़की से, आए आए आए, इतना लंबा टावर, बिल्कुल नीचे जो है एक लेक है, यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी वॉक है। तो भाई बड़ा पीसफुल माहौल हुआ है इस वक्त यार, वीडियो अभी पीसफुल माहौल और लाइटिंग पब्लिश करने जा रहा हूँ। तो भाई ये वीडियो अपलोड होने जा रही है, ये जहाँ पे तू दुबई में तूने एंट्री की थी ना, ये वीडियो तो खुद ही अपलोड कर दे। चल ये ले आज अपने नदीम मुबारक हाथ से जो है ना पब्लिश कर, रुक जा, चल ऊपर सेव दबा दे। क्या कर रहे हैं वीडियो पब्लिक हो चुकी है, बस यही काम है यार। सुबह उठो मुंह धोए बगैर कैमरा खोल लो, रात को एडिटिंग करके सो जाओ, फिर सुबह दोबारा मुंह धोए बगैर कैमरा खोल लो। तब तक नहीं धोगा, पता नहीं क्या कर दिया मैंने अपनी जिंदगी के साथ जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की। तो यार इस वक्त हम लोग आए हुए हैं मार्टिन प्रोफेशनल यूएई। तो ये है यार एक सवाल, एक नैश दिल्ली एक यूट्यूबर है, फेसबुकर है, ठीक है, जो कभी करेंगे नहीं करेंगे स्टार्ट, मतलब रोस्टिंग छोड़ दी क्या, एकेडमी है यहाँ पे, एक बार देखते हैं भाई। अच्छा वैसे यहाँ पे इतना कुछ है तो नहीं, बस पार्टी शार्टी चल रही है, गेमे शेमे चल रही है, खाना शाना चल रहा है, ठीक है, पानी की बोतल पकड़ लेता हूँ बस वापस चलिए यार, इतना कुछ नहीं है। अच्छा तो बेसिकली जो है ना यहाँ पे आए हुए थे गेस्ट, हम भी गेस्ट ही हैं अभी, अभी बनेंगे स्पीकर भी बनेंगे, आएंगे स्टेज पे भी आएंगे, टेंशन अच्छा, नहीं लेनी, अभी गेस्ट ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेना अपने पास, स्पीकर रख लेना, हम लोग यूट्यूबर लोगों को कुछ इवेंट है यार, ये होता रहता है। अभी पता है क्या, अभी जो जितने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं ना वो गए हुए हैं अपनी हल्ला गुल्ला पे, और फिर जो बाकी जो अपना यू नो छोटे मोटे हम जैसे यहाँ पे है, कोई मसा नहीं होता, छोटे मोटे नहीं है यार, इन चीजों का मैं दिल पे यार मोची आई जा रही है यार। पाकिस्तान में बड़ा लेवल है हमारा, इधर आके जो है ना यार 2-3 मिलियन 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर कुछ नहीं माने जाते, लेकिन भाई तुम लोगों ने जितना प्यार दिया मेरे लिए तो 3 मिलियन भी वही बहुत है भाई, 3 मिलियन 30 मिलियन के बराबर है। काम देखो बंदे का, नथिंग बकचोदी हैपनिंग, आई एम खवाड़िंग जलीलिंग राइट नाउ, बट दिलफूजा डू यू नो आई गॉट 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, सो पार्टीज ऑन मी। लेकिन जिस तरीके से आई है ना, थोड़ा मुझे मूड मेरा थोड़ा ना डिफरेंट तरीके से हो रहा है, ये निकाल नहीं कैसे इसको, इस तरह करना है, खा के देखते हैं एक बार।
मजेदार मजेदार तो भाई मैंने मंगवाए हैं मछलियाँ, प्रॉन, श्रोन, सब्जियाँ ते आलू ते सॉस। और तुम लोग व्यू वगैरह देख सकते हो भाई, बड़ा जबरदस्त किस्म का लग रहा है। नदीम चूची वाला ने भी ज्वाइन कर लिया है। हिज नेम इज चूची वाला। चूची वाला ये ये मेरा होटल वापस पहुंच गए। तुम लोगों को मेरी हालत से लग रहा होगा कितना थक चुका हूं मैं, इसका फायदा मैं सारा भी नहीं हूं। ठीक है, तो मुझे कैरी मिनाटी का मैसेज आया कि कहता है कि भाई कल इवेंट से पहले थोड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं, थोड़ा उसके बाद उसका जो है ना काफी बिजी स्केड्यूल है, तो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे ज्यादा। अभी जो है सो जाते हैं भाई, बिस्तर हमारा रेडी तो नहीं है खैर, लेकिन सो जाते हैं, कल मिलते हैं भाई। 3 hours later कल हम लोग 3 घंटे बचे हैं जो है ना, मैं घर आके सो गया। ये भी अभी उठा है, थोड़ा लेट आया था। तो यार सीन ये है कि अभी हम लोग जाने वाले हैं नास समिट, यानी कि तीसरा दिन है आज और आखिरी दिन है। हम लोग पहले 2 दिन काफी बिजी हो गए थे। तुम लोग व्यू देख सकते हो कितना जबरदस्त है भाई। नाश्ता भी मैं ज्यादा नहीं करूंगा, बस ज्यादा ज्यादा अभी जो है ना यहाँ से मैं कैपुचिनो पकड़ लेता हूँ। तो यार गाड़ी मेरी यहाँ पे पार्क करेगी और हम लोग करवा लेते हैं टैक्सी, क्योंकि जो है ना अभी मैंने गाड़ी धो के रखी है यार, चमका के रखी है, तो अभी ना मुझे चलाने का दिल कर नहीं रहा। टैक्सी का वेट करते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। तो यार अभी हम लोग जाने वाले हैं एड्रेस स्काई व्यू होटल डाउनटाउन में, जहाँ पे हमारा इवेंट हो रहा है। तो यार हम लोग इधर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे होने जा रहा है ना समिट, जाके देखते हैं क्या माहौल है भाई। बिल्डिंग तो बड़ी जबरदस्त किस्म की बनी हुई है भाई, बहुत लंबी, और यहाँ से कनेक्ट होती है वापस नीचे आती है। लंच होने वाला है, हो गया, होने वाला है सही टाइम पे पहुंचा हूं मैं, और अभी पहले लाइन में खाने के लिए पहुंचा। क्यों लगेगी, क्योंकि सारे क्रिएटर जो है ना बड़े, चला आ जा लाइन में लगे, आ जा सबको बताऊंगा कि आ गया टक्की भाई। मैं तो कहता हूं रोटी छोटी खुले लगी, आ जा लाइन पे लगे पहले ही। ओए मुझे एक बात बता, ये पानी वगैरह, ये जूसेस वगैरह पड़े फ्री है ना? ये पता चल रहा है महंगा पानी है, बड़ी महंगा पानी पता लग रहा है। नल वाला हम लोग पीते हैं, बोतलों वाला भाई। ये देखो महंगा पानी है, रेडबुल भी फ्री है, नहीं छोड़ूंगा कुछ भाई। मैं तो भी नहीं, मैं जेबों में डाल लो भाई, मैं तो एक पी लेते हैं, दो जेब में डाल लेते हैं। तो यहां पे हो रहा है इवेंट, तो अपना अंदर जाके देखते हैं क्या माहौल है। कुछ समझ भी आ रही है तुम्हें? यार इंग्लिश में सही बोल रहा होगा। यार रोटी खुल चुकी है यार, मेरे साथ साथ चलना, थोड़ा कम चीज़ लगूंगा मैं। यार यहाँ पे जो है रोटी छोटी खुली हुई है, इस इंग्लिश में कमजोर लोग लेते हैं, बहुत लंबी लाइन है। एक काम करो, हम तीनों में से एक बंदा रहता है, एक ही बार प्लेट भर लो, तीनों मिलके खा लेते हैं भाई। ये हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है। हम भी ऐसे करते हैं यार, एक प्लेट में खाना भी वीगन है, चिकन मिलेगा ना ये कैसे हो सकता है? कल मेरी मुलाकात हुई तो उसने बोला कि हाँ भाई डगी भाई का है, अल्लाह की कसम, कसम से उसने बोला, अल्लाह तेरा पूछा, कौन नहीं जानता भाई। वो कह रहे हैं डगी भाई का है, मैंने बोला डगी भाई जो है वो आ रहे हैं, कह रहे हैं लेट हो गए यार। अच्छा वल्लाह वल्लाह, लेकिन बहुत बड़ी सर आप यार, मेरे लिए बड़ी बात पता क्यों है? मैंने सीखा बहुत है भाई, मैंने कैरी मिनाटी को देख के शुरू किया, सिंपल सी बात है भाई। फाइनली हम लोग कैरी मिनाटी को देख के शुरू किया है, हम लोग देख के भाई मानते हैं। तो यार ये जो लोगों को शामी कबाब, बीफ चपली कबाब लग रहा है, ये कबाब नहीं है भाई जान, ये जो आपको लग रहा है ये बहुत बड़ी दो नंबरी हो गई हमारे साथ। ओए 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 गत्ते का बना है एक अच्छी बात हो गई भाई, गुलाब जामुन वाओ, दो दो चाचा दिल ललचारा मेरा भी, गुलाब जामुन है और भी बढ़िया मिठाई है। क्या दिखाया ये समझे? तो यार ये कोई बियर बाइसेप नाम के कोई भाई जान है, इंडिया से हैं। बहुत जगह मैं हाँ, वैसे मैंने बियर बाइसेप कर वो है रणबीर, ये है कैरी। दिल कर रहा है कैरी के साथ पकचोड़ी लगाऊं, दिल कर रहा है स्टेज पे चढ़ जाऊं। A few moments later, कैरी भाई is here right now. और यार भाई ये तो बहुत पहले से यार, मैं यार कल यार कितना सही लग रहा है ना कि आप मेरे दोस्तों से मिले हो, आप यकीन करो। आई वाज लाइक निकलो गाड़ी बताओगे, पता क्या वो जब आए ना मैं पूछा तू कहाँ पे है, हाँ मुझे पता था निकले कहाँ है यार, मैं आवाज देना, मुझे असल मुझे इनकी टाइमिंग का नहीं पता। अच्छा डकी को देख रहे हो, थोड़ा सा नर्वस हो रहा है ब्रो। और यार मैं आपको एक और बात बताऊं, काफी लोग जो है ना ये चीजें मुंह पे शायद ना बोलें, लेकिन ब्रो मैंने अगर यूट्यूब स्टार्ट किया ना वो इट्स बिकॉज़ ऑफ यू। आप यकीन करो अगर आइडिया हुआ है कि यार देसी लैंग्वेज के अंदर कमेंट्री हो सकती है तो यार इट्स बिकॉज़ ऑफ यू। और मैंने कहा यार ये बंदा इंडिया से है और वो गोरा टाइप लेवल कॉन्टेंट बना रहे, यार मतलब ये चीज पॉसिबल है। उससे पहले मैं थोड़ा टेक वेक वीडियो वगैरह बनाया करता था तो वो इतना काम नहीं करती, आई थॉट कि देसी कम्युनिटी जो है ना शायद देखना पसंद नहीं करती। बाकी यार हम ना कर टेक मच ऑफ योर टाइम। अरे नहीं ये कोई बात नहीं भाई, अरे सी व्हाटएवर यू सी ऑनलाइन कुछ भी देख ले, जो तू बनाता ना वो है चीज, थैंक यू जो तुम बनाते हो।
वो बात है, तुम किसी से भी ले लो, तू पत्थर ले ले भाई, उस पत्थर का तू, तेरे पास पत्थर तो दे दिया तेरे को किसी ने, तू बनाता क्या उस पत्थर का, तू तेरे पे है ना। आज मैंने तेरी क्या बात है यार कैरी, और पूरा मैंने गौर से सुना। नाइस मीटिंग है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। गुड लक फॉर एवरीथिंग यू डू भाई, तुम्हें बहुत ऊपर पहुंचाएंगे, ठीक है, आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल पहुंचाएंगे। जबरदस्त यार, जबरदस्त कर करो। तो यार कैरी भाई से मिल लिया है, बहुत अच्छा लगा है, बहुत हम्बल तरीके से जो है वो मिला है, ठीक है, बहुत बड़ा आदमी है यार ऑब्वियसली यार, लेकिन उसे टाइम बड़ा आदमी है, अच्छा लगा, ठीक है। हमने कुछ गप्पे भी लगाई है, लेकिन बंदा बढ़िया लगाई है। अभी हम लोग चलते हैं घर भाई, जनवा बताऊं मैं बहुत खुश हूं, ओ भाई मैं बहुत खुश हूं यार, वो इस बंदे ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है इन द पास, उसने मेरा बहुत मोटिवेट किया कि भाई नर्वस लग रहे थे भाई मुझे वाचिंग दिस, उसके कैरी के सामने घर, घरों को चलते हैं यार, बड़ा लेट हो गए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, होटल जाके वीडियो एडिट करते हैं, लेवल फोटो आई है कि नहीं, तो यार अपना ख्याल रखना, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दो। हम लोगों ने जो है ना अपना दुबई का ट्रिप 24 तक एक्सटेंड कर लिया, क्योंकि भाई तला, यूनस, अंजुम और ये सारे जो है ना कॉन्सर्ट करने आ रहे हैं, ये तो वहाँ पे भी शुगर लगाने मिलते हैं टाटा को। वाओ, जब इन दोनों का की मीटिंग हुई थी कैरी और डकी की इस ब्लॉग के अंदर, सो यार क्या मूवमेंट था, बढ़िया मूवमेंट था। मैं फील कर सकता था कि जब अपने आइडल को डकी नर्वस लग रहे थे, मैंने बोल दिया था शुरू में ही, बोल दिया था कि डकी थोड़ा नर्वस लग रहा है, आंखें नहीं मिला पा रहा है, मतलब कैरी मिनाडी से बहुत कम मिला पा रहा है, उसकी शक्ल से उनकी झलक रहा था कि थोड़े से नर्वस हैं, क्योंकि उनके वो आइडल थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि कैरी मिनाटी को देख के उन्होंने YouTube स्टार्ट किया, रोस्टिंग स्टार्ट की। सो ये मोमेंट होता है जब आपका आइडल आपके सामने आता है और मिलते हो आप उससे। सो वैसे ही गेस्चर कैरी मिनाटी की तरफ से था, इनका अजय नागर नाम है वैसे रियल में, कैरी मिनाटी इनका चैनल है और उसी से फेमस हुए हैं ये तब से, पहले रोस्टर मैंने जैसा कि बताया था। सो डकी नंबर वन रोस्टर पाकिस्तान के, नंबर वन रोस्टर इंडिया का कैरी मिनाटी, दोनों का ये एक कोलेब्रेशन समझ लीजिए, या फिर उनका मिलना एक ड्रीम कम ट्रू लाइक मोमेंट था ये। सो बहुत ही अमेजिंग मोमेंट था, व्लॉग्स फन से भरा हुआ था, सुबह को उठना, नानी वाले के साथ मौज मस्ती करना और रसगुल्लों की बातें, वो सब तो सब अपनी जगह थी, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि कैरी मिनाटी से और डकी भाई की मीटिंग हुई है, असली मुद्दा ये था। उसको मैं फील कर रहा था यहाँ पर बैठ के जब वो मिल रहे थे कि उनका आइडल जो है उससे मिलकर उनको कैसा फील हो रहा था, वो मैं यहाँ बैठकर फील कर पा रहा था। मज़ा आ गया यार इस ब्लॉग में, और ऐसे पॉजिटिव वीडियोस देखकर तो और ही ज़्यादा मज़ा आता है। दोनों तरफ से पॉजिटिविटी यूट्यूबर्स की, वैसे ही अजय की तरफ से, वैसे ही डकी भाई की तरफ से, सादुर रहमान दोनों के नाम मुझे पता है भाई रियल वाले। सो कमेंट सेक्शन में बताओ और क्या देखना चाहते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।